नेपाल सर्वर के अफरा तफरी ने ना बहुत कुछ समझा दिया है। मतलब क्या समझाया है, अंदर से जो फीलिंग आ रहा है ना, बहुत नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है, वो कैसे वो आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ मैं। सो बेसिकली फ्री फायर अगर इंडिया में सर्वर्स उनके बंद किए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स नेपाल के प्लेयर्स तो इंडिया में ही, इंडिया के सर्वर में ही गेम खेलते थे ना, करेक्ट। तो अगर इंडिया का सर्वर बंद हो जाएगा तो नेपाल प्लेयर्स के लिए भी खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खेल नहीं पाएंगे, मुश्किल क्या, खेल ही नहीं पाएंगे वो लोग। तो बेस्ट यही है कि होली से पहले प्लेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि यू नो कोई प्रॉब्लम ना हो नेपाल में एटलीस्ट, एंड इंडिया को अगर कुछ भी हो रहा है तो वो ऑलरेडी बैकएंड में काम चालू है। तो इसके अलावा मेरे मन में कोई और रीजन नहीं आ रहा है, ये बहुत लोगों के मन में ये रीजन चल रहा है। बट क्योंकि देखिए क्या है ना कि कोई क्लियरेंस नहीं है दोनों साइड से, इसमें हम एक वो कहते हैं वो बहुत ब्लर्ड न्यूज आ रहा है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें जो दिया जा रहा है हम उसे बस अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यही चल रहा है। गरीला की तरफ से अभी तक वही सबसे मुझे यू नो अभी तक का सबसे ज्यादा बुरी चीज तो मुझे यही लग रही, गरीला ने अभी तक स्टिल नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम देयर साइड, अभी तक उनके तरफ से एक भी चीज नहीं कहा गया है इसके मामले में कि यार आप लोग थोड़ा वेट कर लो, हम लोग यू नो अगर वो लोग कोई अपडेट नहीं चाहिए, अगर वो लोग इतना भी लिख देंगे ना काम चालू है तो भी लोग यू नो थोड़ा समझ जाएंगे, बट अभी तक वो भी नहीं हुआ है उनके साइड से। बात यह है कि गेम इंडिया में चाहे आज वापस आ जाए, कल वापस आ जाए, या फिर 8 महीने बाद वापस आए, तो 1 साल बाद वापस आए, गेम वापस आएगा, 100% वापस आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो लग रहा है कि थोड़ा लंबे समय के लिए जाएगा, जैसा पबजी के साथ हुआ था, ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लग गया था उसको आने में, ऑलमोस्ट 9 महीने लगा था, ऑलमोस्ट 1 साल ही था वो, 8 महीने में गेम आया था नया गेम जो BGMI चल रहा है अभी। तो मोस्टली फ्री फायर के साथ ही बैकएंड में बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी, ऐसे ऑपरेशंस को कंटिन्यू। देखो आप लोग खुद देख पा रहे हो ना, गेम्स चल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, बट वो जो फ्लो था ना, एक जो बूमिंग फ्लो था, 75 लाख के टूर्नामेंट्स, 50 लाख के टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का इतना बड़ा ऑफिशियल इवेंट अनाउंस होना, बहुत कुछ हो जाता अगर ये टूर्नामेंट हो जाते तो, बट वो सब रुक गया है। एंड अभी ये 1 लाख, मैं तो बोलूँगा कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स अभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन लोगों को दाद देना पड़ेगा उन लोगों के लिए, कि उन लोगों ने फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे उनको पता है कि अब धीरे धीरे करके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, ये सब चीज़ बोल के मैं आप लोगों को उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि क्योंकि देखिए होली भी है, मैं आप लोगों को ज़्यादा यू नो वो डेड एंड सीन में नहीं डालना चाहता, बट सच है, सच को सच से दूर नहीं भाग सकते आप लोग, मैं भी नहीं भाग सकता, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि देखिए मेरा भी कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी अगर थोड़ा बहुत काम मिला है जो मैं कर पा रहा हूँ फ्री फायर की वजह से हुआ है, इस गेम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, सो मैं बहुत आभारी हूँ, सो आई कैनॉट फॉरगेट एज वेल। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात को बोलते हुए, बट एनीवेज यही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आशा करता हूँ कि आप लोग सेफ रहें एंड होली अच्छे से मनाएं, क्योंकि होली आ रहे हैं ऑफकोर्स, सो थोड़े दिन के लिए भूल जाएंगे ये सब चीज़, अपने काम पे फोकस कीजिए, जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं यूट्यूब करें तो यूट्यूब करिए, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ निकालें, अगर आप कास्टर है तो डिफरेंट गेम पे शिफ्ट आउट कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स ट्राई आउट कर सकते हैं, इंडिया में और भी कई गेम्स हैं। अगर आप प्लेयर हैं, प्लेयर के एक्चुअली सोल्यूशन मेरे पास अभी तक नहीं है, बट जिन जिन लोगों ने एडुकेशन कम्प्लीट किया है वो लोग ऑफकोर्स यू नो कुछ काम कर सकते हैं अभी के लिए, और जिन जिन लोगों ने एडुकेशन कम्प्लीट नहीं किया है मेक श्योर कि आप लोग एडुकेशन कम्प्लीट कर लो, थोड़ा पॉजिटिव रखो, एंड आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है किसी को हेट मत देना, कोई नेगेटिविटी मत फैलाना, और थोड़ा ध्यान रखो अपने आप का, क्योंकि इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। सो यस, दिस वॉज इट, ये वीडियो समाप्त करते हैं, टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गाइस, चैनल पे वीडियोस आते रहेंगी, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जैसा स्टार्टिंग से रहा था, जब से मैंने चैनल शुरुआत किया है, मैंने जितना भी मुझे मिला है आप लोगों से ही मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, डोंट वरी, चिल करो, बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग आके हमेशा एंजॉय कर सकते हो, मैं कुछ ना कुछ हमेशा डालता रहता हूँ, आज भी डालता रहूँगा, कल भी डालता रहूँगा, परसों भी डालूंगा, सो चिल आउट करो, डोंट वरी, इधर आके हमेशा एंजॉय करते रहो, ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो, उसके बाद स्टे सेफ, मिलता है अगले वीडियो में।